हेलो दोस्तो. दोस्तों दोस्तों चलिए देखते हैं अगस्त माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं देखिए एक से सात अगस्त पूरा सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया इसका उद्देश्य है माता पिता को स्तनपान के प्रति जागरूक करना है विश्व स्तनपान सप्ताह पहली बार उन्नीस में, में वर्ल्ड एलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा मनाया गया था इस बार जो इसका थीम रखा गया था वह था माता पिता को सतत सशक्त बनाना स्तनपान को सक्षम करना रखा गया था देखिए तीन अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया गया यह अलग अलग देशों में अलग अलग महीने और तारीख को मनाई जाती है यह भारत में अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है यह पहली बार उन्नीस में पराग्वे में अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया था देखिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया जाता है अप्रैल 1942 में क्रिस्प मिशन के असफल होने के लगभग चार महीने बाद इस स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन आरंभ हो गया था इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गई है भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था देखिए 10 अगस्त को जय विधन दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको मनाने का उद्देश्य है जय ईंधन दिवस प्रतिवर्ष गैर जीवाश्म के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है सर डीजल ने 10 अगस्त अठारह को पहली बार मूंगफली के तेल से यांत्रिक इंजन को सफलतापूर्वक चलाया था उन्होंने शोध के प्रयोग के बाद भविष्यवाणी की कि अगली सदी में विभिन्न यांत्रिक इंजन वनस्पति तेल की जगह जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जा सकेगा इस असाधारण उपलब्धि को प्रदर्शित करने हेतु तो प्रतिवर्ष दस अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है देखिए बारह अगस्त को विश्व युवा दिवस और विक्रम सारा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 अगस्त 2019 को विक्रम साराभाई का सौवा जन्म मनाया गया इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है देखिए संस्कृत दिवस हमेशा ही रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है दरअसल भारतीय में इसका पौराणिक महत्व है। संसद दिवस प्रतिवर्ष सावन की पूर्णिमा के मौके पर मनाया जाता है देखिए 15 अगस्त का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है सन 1947 में इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी देखिए 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है यह दिन उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गवाई या मानवीय उद्देश्य के कारण दूसरों की सहायता हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी देखिए इस बार जो इसका थीम रखा गया था वह था महिला मानवतावादी देखिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है देखिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है उनके जन्मदिन को ही भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के साथ मिलते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें थैंक यू